आउज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट इंजीनियर शाहनवाज़ अली। वेलकम यू टू माय चैनल इंजीनियर शाहनवाज़ अली की दुनिया। टुडे आवर टॉपिक इज़ बेसमेंट तहखाना। आम तौर पर आजकल हम घरों में तहखाना बनाते हैं और पहले ज़माने से भी तहखाने का रिवाज था। 16वीं सदी 17वीं सदी में मुग़ल के दौर में आप देखें तो शाही किला में, लाल किला में तहखाने, बड़े बड़े तहखाने बने हुए हैं। क्योंकि इस तहखानों का फ़ायदा यह है कि गर्मियों में ये ठंडे रहते हैं और जब मौसम सर्द हो, ज़्यादा सर्दी हो, तो उसमें ये कुदरती तौर पर गर्म होते हैं। तो आइडियल प्लाट हमें जो है ज़मीन की, पहले से हमें देखना पड़ता है कि अगर नमी ज़्यादा नहीं है, जिस ज़मीन में सीपेज नहीं है, तो उसके लिए आइडियल है तहखाना। उसमें हम तहखाना बना सकते हैं। अभी आप अपने मोबाइल स्क्रीन पर देख सकते हैं, ये 30x30 का प्लाट है और 250 में अगर हम इसको डिवाइड कर लें तो ये बनेगा 3.6, साढ़े तीन मरले में। तहखाने में नीचे दो बेडरूम आ गए और लाउंज आ गया, इसमें किचन भी साथ आएगा क्योंकि ये हुजरा टाइप बन रहा है। ये इनके साथ एक कनाल का बंगलो बन रहा है साथ, तो एक कनाल में ये खूबसूरत नक्शा बनाया है। इन्होंने TMA से पास भी किया है, तो इसमें ज़बरदस्त आपको अभी विज़िट कराते हैं। नीचे इसमें भी बेसमेंट बनाया है, इस साइड पर आपको हमें विज़िट देते हैं। ये देख ले राइज और हेडर देख ले स्टेयर्स का, बहुत ज़बरदस्त। मेन गेट से जब आप इंटर होते हैं लाउंज में, तो बड़ा लाउंज है इसमें, 30x30 का बहुत बड़ा लाउंज आया है। और फिर इसके 5 बेडरूम है इसके साथ, और इस बंगले के साथ टच ही 3.5 मरले में ये हुजरा टाइप बना रहे हैं, ताकि अगर गेस्ट वगैरह आए तो उसमें बेसमेंट और ग्राउंड फ्लोर पे बेडरूम और लाउंज बना रहे हैं, ताकि हमारे गेस्ट अगर कोई 2-3 रात गुजारने के लिए भी आए तो प्रॉब्लम ना हो। हदीस शरीफ में हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुबारक का फरमान आलीशान है कि जो बंदा मेहमान नवाजी नहीं करता तो उसमें कोई ख़ूबी नहीं। तो इस वजह से हमारे जो ये क्लाइंट है, तो ये अपने घर के साथ ये बेसमेंट हुजरा टाइप बना रहे हैं, साथ ग्राउंड फ्लोर पे भी 2-3 कमरे बना रहे हैं, क्योंकि सिक्योरिटी गार्ड ये कह रहे हैं कि हमारे 12 घंटे का शिफ्ट करेगा रात वाला सिक्योरिटी गार्ड, और फिर जो है वो दिन को अगर आराम करना चाहे तो हमारे हुजरे में रहेगा, और दूसरा जो सिक्योरिटी गार्ड होगा फिर वो 12 घंटे ड्यूटी करेगा। तो ये 2 सिक्योरिटी गार्ड हैं, तो जब एक का की ड्यूटी होगी तो दूसरा उसमें आराम करेगा। तो ये आप देख सकते हैं टाइल्स वर्क भी हो चुका है तकरीबन, इन्होंने फर्श से लेकर ये टॉप तक, छत तक सीलिंग, ज़बरदस्त सीलिंग की है, टाइल्स लगा लिए हैं। किचन आप देख रहे हैं अपने मोबाइल स्क्रीन पर, किचन भी बहुत बड़ा साइज़, 14x14 का किचन भी इस बंगले में तैयार हो चुका है। ये लाउंज देखें आप, तो इसमें ज़बरदस्त वर्क शुरू है, और वॉशरूम में भी कमोड वग़ैरह लग चुके हैं, टाइल वर्क्स हो चुका है। तो बस आइडिया के लिए ये स्टेयर्स का देख ले, इसमें ज़बरदस्त ये भी तैयार हो चुके हैं, और इससे जो भी हमारे नाज़रीन आइडिया ले सकते हैं के टाइल्स वर्क जो है अभी छत तक, ये फ्लोर से लेकर रूफ़ तक जो है लोग दीवार पर इस तरह टाइल्स लगाते हैं, तो ये खूबसूरत भी लगते हैं, फर्निश्ड हालत में भी आ जाते हैं, और सीलिंग का भी आप अगर आइडिया ले इससे, तो ये नया डिज़ाइन लाउंज में इन्होंने बहुत ही खूबसूरत प्लास्टिक ऑफ पेरिस में सीलिंग भी कंप्लीट हो चुकी है। और बस ये वीडियो बनाने का मकसद यही था कि अगर कोई इससे आइडिया ले, तो अभी ये आप देख रहे हैं अपने मोबाइल स्क्रीन पर 30x30 का इन्होंने हुजरा टाइप प्लाट छोड़ा था, तो उसमें ये 250 स्क्वायर फिट के हिसाब से अगर हम देख लें तो ये तकरीबन 3.6 3.5 मरले का हुजरा टाइप इसमें बना रहे हैं। ये एक बेडरूम होगा, इसमें वेंटिलेशन और लाइट के लिए इन्होंने बहुत ही ज़बरदस्त जो है वो रोशनदान छोड़े हैं। ये ग्राउंड लेवल से हाइट पर है, तो इसमें रोशनी भी आएगी और हवा भी आएगी वेंटिलेशन पर्पस के लिए।
और ये इसमें लाउंज है, ये दूसरा बेडरूम, इसमें भी इन्होंने रोशनदान छोड़े हैं लाइट और वेंटिलेशन के लिए, ताकि प्रॉपर वेंटिलेशन इसमें हो और लाइट भी आए, दोनों चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। और ये सराउंडिंग में आप एरिया चेक कर लें तो ज़बरदस्त नक्शा बना है। और अगर अभी तक हमारा चैनल किसी ने सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली सब्सक्राइब करें और बेल का आइकन भी प्रेस करें, ताकि हमारी आने वाली वीडियोस आप तक पहुंच सके। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो काइंडली इसको लाइक भी कीजिएगा। अल्लाह आप सबको सदा खुश आबाद और कामयाब रखे, आमीन या रब्बुल आलमीन। हमें भी अपनी दुआओं में याद रखिएगा। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।